अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, ये मैथ्स है क्लास 5 की, जिसका यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 है, पार्ट ए करेंगे, क्वेश्चन 1 to 12। तो 2.1 में कंप्लीट कर चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख लें। कह रहा है फाइंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के तहत हमने एलसीएम को फाइंड आउट करना है। तो ये रकम हमारे पास है 36 एंड 54। तो पहले यहाँ पे 36 के हम निकालेंगे फैक्टर्स, और उसके बाद यहाँ पे हम 54 के फैक्टर्स निकालेंगे। तो 36 के फैक्टर्स निकालते हैं, तो 2 की टेबल जो है वो जा रही है यहाँ पे, 3 पे 1 टाइम, 1 बच गया यहाँ पे, तो 8 टाइम, फिर 2 की टेबल यहाँ पे 9 टाइम जा रही है, फिर 3 की टेबल जाएगी, अब 2 की नहीं जाएगी क्योंकि 8 नंबर आ गया, 3 टाइम, 3 की यहाँ पे 1 टाइम। 54 पे निकालते हैं, तो 2 की टेबल जा रही है यहाँ पे 2 टाइम, एंड 1 बच गया, 14 हो गया, तो 7 टाइम। फिर अब यहाँ 8 नंबर आ गया यूनिट प्लेस पे, तो यहाँ पे हम 3 की टेबल लगाएंगे 9 टाइम, फिर 3 की टेबल 3 टाइम, एंड 3 की टेबल यहाँ पे 1 टाइम। तो ये हमारे फैक्टर्स आ गए हैं, तो अब हम इनको एडजस्ट करते हैं। तो 36 के जो हैं वो निकले हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 3, और यहाँ पे 54 के निकलेंगे, ये निकले हैं 2 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 3। अब यहाँ पे हमने इसका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम का मतलब ये समझ लें कि एलसीएम का मतलब होता है कॉमन मल्टीप्लाई होता है अनकॉमन, कॉमन एंड अनकॉमन फैक्टर्स जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा एलसीएम। तो यहाँ पे कॉमन देखें कौन कौन से हैं, यहाँ पे ये 2 कॉमन है, फिर यहाँ पे हमारे पास ये 3 कॉमन है, यहाँ पे ये 3 कॉमन है। तो ये हो गया हमारे पास एलसीएम इजिकल टू 2 है, फिर मल्टीप्लाई यहाँ पे हमारे पास 3 2 टाइम्स है, और यहाँ 3 मल्टीप्लाई 3, फिर जो हमारे पास बच गया है ये 2 भी बच गया अनकॉमन में, तो ये 2 एंड मल्टीप्लाई, फिर ये 3 भी बच गया है अनकॉमन में। तो इसको तरतीब दे ले लेते हैं, एलसीएम इजिकल टू ये 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 3। तो ये एलसीएम जो है वो हमारा निकल आएगा 2 to the 4 एंड 2 3 4 the 12, 3 12 the 36, और 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 108। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर, क्योंकि ये एलसीएम कहा जाता है कि जो रकम मिली है वो डिवाइड करे जो आंसर आए। तो यहाँ पे देखें 36 की टेबल 108 पे 3 टाइम जा रही है, एंड 54 की टेबल यहाँ पे 2 टाइम जा रही है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख लें 33 है, एंड यहाँ पे 55 है, तो 33 के फैक्टर्स जो है वो हम निकालेंगे। तो देखें 3 की टेबल यहाँ पे 11 टाइम, एंड 11 की टेबल यहाँ पे 1 टाइम। 55 की देख लें तो 5 की टेबल यहाँ पे 11 टाइम, एंड 11 की टेबल 1 टाइम, तो ये आ गया। तो एलसीएम का मतलब होता है कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर्स, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम निकल आएगी। तो ये हमारे पास कितने निकले, 33 के
हमारे पास 3 एंड मल्टीप्लाई 11 हुआ एंड 55 के देख लें ये हमारे पास आ गया 5 एंड 11। तो यहाँ पे देखें कामन कौन से हैं, कामन है 11, एक ही मरतबा निकालेंगे और अनकामन भी मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 मल्टीप्लाई ये 5। तो जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एलसीएम हमारा निकल आएगा, ये 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा एंड 15 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 165 हो जाएगा। तो बस ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर आंसर। अब इसमें 33 की टेबल 5 टाइम जा रही है और 55 की टेबल यहाँ पे 3 टाइम जाएगी। 52 एंड 78 है तो सबसे पहले यहाँ पे 52 की निकालते हैं फिर यहाँ पे 78 के फैक्टर्स हम निकालेंगे। तो यहाँ पे 2 की टेबल जा रही है 2 टाइम, तो 1 बज गया इधर हो गए तो 12, तो 6 टाइम। फिर 2 की टेबल यहाँ पे जा रही है 13 टाइम, अब यहाँ पे 13 की टेबल जाएगी 1 टाइम। 78 पे देख लें तो 2 की टेबल यहाँ पे जा रही है 3 टाइम, 1 बच गया इधर तो ये 18 हो गया तो 9 टाइम। फिर 3 की टेबल 1 टाइम 3 टाइम और 13 की टेबल 1 टाइम। तो ये हमें मिल गए 52 के फैक्टर्स, ये 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई यहाँ पे 3 एंड 78 के हमारे पास मिल गए 2 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 13, ये 13 है सॉरी। तो अब एलसीएम का मतलब होता है कॉमन फैक्टर, कॉमन एंड कॉमन मल्टीप्लाई अनकॉमन। ठीक है, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉमन कौन से हैं दोनों में देख लें, कॉमन है एक यहाँ पे 2 और दूसरा ये है 13। तो ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 13 एंड बाकी जो अनकॉमन है वो है 2 मल्टीप्लाई 3। तो इसको तरतीब दे लेते हैं, ये 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई हो जाएगा 13। तो सबको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा देखें 2 to the 4, 3 4 the 12, 12 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 13 के साथ तो ये हमारा हो जाएगा 156 हो जाएगा। तो बस यही हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पे देख लें 16 है 24 है एंड 40 है, तो यहाँ पे 16 के यहाँ पे 24 के एंड यहाँ पे 40 के हम फैक्टर्स निकालेंगे। तो 2 की टेबल यहाँ पे 8 टाइम जाएगी, फिर 2 की टेबल यहाँ पे 4 टाइम जाएगी, 2 की टेबल यहाँ पे 2 टाइम जाएगी एंड 2 की टेबल यहाँ पे 1 टाइम। 24 देख लें, 2 की टेबल यहाँ पे 12 टाइम जाएगी, 2 की टेबल यहाँ पे 6 टाइम जाएगी, 2 की टेबल यहाँ पे 3 टाइम एंड 3 की टेबल यहाँ पे 1 टाइम जाएगी। 40 को देख लें, यहाँ पे 2 की टेबल यहाँ पे 20 टाइम जाएगी, फिर 2 की टेबल यहाँ पे 10, 2 की टेबल यहाँ पे 5 एंड 5 की टेबल यहाँ पे 1 टाइम जाएगी। तो 16 के जो फैक्टर्स निकले वो निकले 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 2, और 24 के जो फैक्टर्स निकले वो निकले 2 जो है 3 टाइम है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 3। 40 के फैक्टर्स निकालते हैं तो वो निकलेंगे 2 3 टाइम्स है एंड फिर 5 है। तो कॉमन एंड अनकॉमन सारे निकलेंगे। तो सबसे पहले देखें 2 सबसे ज़्यादा 16 पे मौजूद हैं 4 मरतबा, तो ये टेक्निक मैं आपको बता देता हूँ कि ये 2 सारे लिख लें, कि वैसे भी कॉमन और अनकॉमन सारे लिखने पड़ते हैं। तो ये 4 मरतबा आ गया, तो ये 3 और ये 3 ये भी इसमें आ गए कॉमन की सूरत में, तो अनकॉमन 2 था वो भी इसमें आ गया। और अब जो बाकी बचा हमारे पास अनकॉमन वो बचा 3 एंड 5, तो 3 मल्टीप्लाई ये 5, इसको भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे
तो ये एलसीएम हो जाएगा 2 to the 4, 2 to the 8, 8 to the 16, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 हो जाएगा, और 48 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 240। एलसीएम हमारी आ गई 240, बस यही हो जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पे देख लें 27, 48 एंड 72। तो पहले 27 के फैक्टर्स निकालेंगे हम, फिर 48 के फैक्टर्स एंड फिर 72 के, और यहाँ पे हम निकालते हैं इसके। तो 3 की टेबल जा रही है 9 टाइम, फिर 3 की टेबल 3 टाइम एंड 3 की टेबल यहाँ पे 1 टाइम। 48 का देख लेते हैं, तो 2 की टेबल यहाँ पे 2 टाइम जाएगी एंड 4 टाइम जाएगी, फिर 2 की टेबल 1 टाइम एंड 2 टाइम, 2 की टेबल यहाँ पे 6 टाइम, 2 की टेबल यहाँ पे 3 टाइम एंड 3 की टेबल यहाँ पे 1 टाइम जाएगी। तो ये देखें 2 की टेबल यहाँ पे 3 टाइम, 6 एक इस तरफ गया तो 6 टाइम, फिर 2 की टेबल यहाँ पे 1 टाइम एंड 8 टाइम, फिर 2 की टेबल यहाँ पे 9 टाइम जाएगी, फिर 3 की टेबल यहाँ पे 3 टाइम एंड 3 की टेबल यहाँ पे 1 टाइम जाएगी। तो 27 है, 27 के फैक्टर्स निकले 3 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई यहाँ पे 3। 48 के फैक्टर्स जो निकले वो निकले 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई यहाँ पे 3। एंड 72 के जो निकले हमारे पास वो निकले 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो कॉमन एंड अनकॉमन सारे आते हैं, तो 2 देखें यहाँ पे 48 में सबसे ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे एलसीएम इज इक्वल टू ये 2 4 टाइम्स लिखेंगे। तो बाकी जो इसमें 3 हैं वो भी इसमें आ गए, और देखें 3 कहाँ पे ज़्यादा हैं, तो पहले पे ज़्यादा हैं 3, तो 3 भी यहाँ पे लिख देंगे। एंड बाकी जो हैं ये 3 इसमें आ गए ये दोनों, और ये क्योंकि कॉमन और अनकॉमन सारे निकाले जाते हैं, तो एलसीएम हो गया इसका। हम निकालते हैं ये 4 मरतबा 2 मल्टीप्लाई हुआ 16 हो जाएगा, 16 को 3 से 48, 48 को 3 3 दा ये 9 हो जाएगा, 48 को हम 9 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 432। तो बस यही हो जाएगा इसका आंसर। इस पे देख लें यहाँ पे 50 है, 80 है एंड यहाँ पे 90 है, तो इसके हम फैक्टर्स निकालेंगे। टू की टेबल यहाँ पे देखें 2 टाइम जाएगी, एक बच गया तो ये 5 टाइम, फिर 5 की टेबल अब टेबल जाएगी 2 की नहीं जाएगी, 5 टाइम जाएगी और 5 की टेबल यहाँ पे 1 टाइम जाएगी। 80 का देख लेते हैं 2 की टेबल यहाँ पे 40 टाइम जाएगी, फिर 2 की टेबल यहाँ पे 20 टाइम जाएगी, 2 की टेबल यहाँ पे 10 टाइम जाएगी एंड 2 की टेबल 5 टाइम जाएगी एंड 5 की टेबल यहाँ पे 1 टाइम जाएगी। 90 का देख लेते हैं 2 की टेबल यहाँ पे 45 टाइम जाएगी, फिर यहाँ 3 की टेबल जाएगी 15 टाइम, 3 की टेबल यहाँ पे 5 टाइम एंड 5 की टेबल यहाँ पे 1 टाइम जाएगी। तो सबसे पहले 50 के फैक्टर्स निकालते हैं कौन कौन से हमारे पास आ गए, 2 मल्टीप्लाई 5 एंड मल्टीप्लाई यहाँ पे 5। 80 के देख लेते हैं, तो 80 के हमारे पे आए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई यहाँ पे 5। एंड 90 के देख लेते हैं, तो 90 के हमारे पास आए 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 5। तो कॉमन एंड अनकॉमन होता है इसमें, तो देखें 2 किस में ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा 2 है 4 मरतबा, और फिर देखें 3 कहाँ पे ज़्यादा है, 3 इसमें ज़्यादा है, तो यहाँ 3 मल्टीप्लाई 3 ये भी आ जाएगा। 5 देखें इसमें ज़्यादा है, तो ये 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5। तो अब हम सबको मल्टीप्लाई करके इसका आंसर एक जगह रख देंगे,
टू टू द फोर, टू फोर द एट, एट को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 हो जाएगा, और 48 को हम जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 24, हासिल 2 4 3 12 एंड 2 ये 144 हो जाएगा, और 5 5 25। अब जब 25 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा 3600, 3600। तो बस यही हो जाएगा इसका आंसर। ये देखें 56 है, 84 है, 98 है, तो इसके हम फैक्टर्स निकालेंगे। 2 की टेबल 2 टाइम, 1 बच गया 8 टाइम, फिर 2 की टेबल यहाँ पे 14 टाइम जाएगी, 2 की टेबल यहाँ पे 7 टाइम, एंड फिर 7 की टेबल यहाँ पे 1 टाइम। 84 को देख लेते हैं, 2 की टेबल यहाँ पे 4 टाइम, 2 टाइम, 2 की टेबल 2 टाइम एंड 1 टाइम। अब 3 की टेबल जाएगी 7 टाइम, एंड 7 की टेबल यहाँ पे 1 टाइम। 98 को देख लेते हैं, 2 की टेबल यहाँ पे 4 टाइम, 9 टाइम। अब 49 है तो 7 की टेबल जाएगी 7 टाइम, एंड 7 की टेबल यहाँ पे 1 टाइम। तो ये 56 के हम फैक्टर्स निकालते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई ये 7 है। 84 का देख लेते हैं, ये 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 7। 98 का देख लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 7 एंड मल्टीप्लाई ये 7। तो एलसीएम का कॉमन एंड अनकॉमन होता है, तो पहले देखें 2 सबसे ज़्यादा यहाँ पे है, तो ये 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 2, तो देखें दो मरतबा इधर था, ये कॉमन हो गया, एंड अनकॉमन तरतीब के साथ ये दूसरा भी आएगा 2। अब यहाँ पे 3 भी है, 3 एक ही मरतबा है वो लिख लेंगे। 7 देखें यहाँ पे, ये तो आ गया कॉमन एक मरतबा, और ये दूसरा 7, तो 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा 7। तो ये एलसीएम जब निकालेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टू द 4, 2 4 द 8, 8 3 द 24, 24 को अब 7 7 द 49, तो 24 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ये 49 के साथ, तो आप करके देखिएगा ये आ जाएगा 1176। तो ये हो जाएगी इसकी एलसीएम। 8 नंबर पे देखें, ये 44 है, ये 66 है, एंड ये 99 है। तो सबसे पहले 44 के हम फैक्टर्स निकालेंगे, तो यहाँ पे देखें 2 की टेबल 2 टाइम, 2 टाइम, फिर 2 की टेबल यहाँ पे 11 टाइम जाएगी, और 11 की टेबल यहाँ पे 1 टाइम। 66 का देख लें, 2 की टेबल 3 टाइम, 3 टाइम, फिर 3 की टेबल 1 टाइम, 1 टाइम, 11 की टेबल 1 टाइम। 99 का देख लें, 3 की टेबल जाएगी 3 टाइम, 3 की टेबल यहाँ पे 1 टाइम, 1 टाइम, एंड फिर 11 की टेबल 1 टाइम। तो 44 के हम फैक्टर्स निकालते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 11। एंड 66 का देख लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई ये 11। 99 इजिकल 3 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 11। तो कॉमन एंड अनकॉमन देखें, तो इसमें कॉमन तो ये सिर्फ 11 ही निकल रहा है, बाकी अनकॉमन है। तो 2 देखें, 2 इसमें सबसे ज़्यादा है, तो 2 भी आ जाएगा, तरतीब के साथ लिख रहे हैं, 2 आ गया। फिर 3 इसमें ज़्यादा है, तो 3 मल्टीप्लाई 3, तो अब ये कॉमन ही है, एक ही है 11, ठीक है। तो इसको हम मल्टीप्लाई करके रख देंगे तो हमारा एलसीएम हो जाएगा 2 टू द 4, 3 4 द 12, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 36, और फिर यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 11 द 66, हासिल हो गया 6।
थ्री इलेवन द 33 एंड 6 96 हो जाए 39 हो जाएगा, तो 396 हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें इस पर 25 50 एंड 75, तो यहाँ पे निकालते हैं 25 के, यहाँ पे निकालते हैं 50 के और यहाँ 75 के। तो ये 25 5 की टेबल जाएगी 5 टाइम एंड 5 की टेबल यहाँ जाएगी 1 टाइम। 50 का निकालते हैं 2 की टेबल यहाँ पे 25 टाइम, फिर 5 की टेबल यहाँ पे 5 टाइम एंड 5 की टेबल यहाँ पे 1 टाइम। 75 का निकालते हैं 3 की टेबल जाएगी 25 टाइम, 5 की टेबल यहाँ पे 5 टाइम एंड 5 की टेबल यहाँ पे 1 टाइम। तो 25 के फैक्टर्स निकाल देते हैं, तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई ये 5 एंड 50 के निकालते हैं, तो 50 के निकलेंगे 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 एंड 75 के निकालें तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 5 एंड मल्टीप्लाई 5। तो एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम क्या आता है, कॉमन एंड अनकॉमन सारे निकलेंगे। तो पहले 2 है, 2 निकाल देते हैं और 2 कहीं भी नहीं है, एक ही मरतबा है, 3 भी एक मरतबा है एंड 5 देखें 5 2 टाइम्स है, यहाँ भी 2 टाइम्स है, यहाँ भी 2 टाइम और इधर भी 2 टाइम, तो 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5। तो एलसीएम हो जाएगा हमारे पास ये 2 3 द 6, ये 6 5 द 30, 30 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 150। तो बस यही हो जाएगा एलसीएम। 10 नंबर में देखें यहाँ पे 15, यहाँ 25, यहाँ पे 30 एंड यहाँ पे 45। तो इनके निकालेंगे, पहले 15 के निकाल देते हैं, 3 की टेबल जा रही है यहाँ पे 5 टाइम एंड 5 की टेबल यहाँ पे 1 टाइम। 25 अभी करके आए हैं, 5 की टेबल 5 टाइम एंड 5 की टेबल यहाँ पे 1 टाइम। 30 है, 2 की टेबल जाएगी 15 टाइम, फिर 3 की टेबल जाएगी 5 टाइम एंड 5 की टेबल जाएगी 1 टाइम। 45 है, तो यहाँ पे 3 की जाएगी टेबल 15 टाइम, फिर 3 की टेबल यहाँ पे 5 टाइम एंड 5 की टेबल यहाँ पे 1 टाइम। तो ये हमारे पास आ गए पहले 15, तो 15 के हैं 3 मल्टीप्लाई 5, फिर 25 के हमारे पास हैं 5 मल्टीप्लाई 5, फिर हमारे पास 30, तो 30 के हैं 2 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 5, फिर 45, तो 45 के हमारे पास हैं 3 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 5। तो ये एलसीएम जब निकालेंगे तो 2 देखें 2 भी है, एक ही मरतबा है 2 वो लिख लेंगे, 3 देखें 3 यहाँ 2 टाइम्स है, तो 3 मल्टीप्लाई 3 भी आ जाएगा। फिर हमारे पास 5 देखें, 5 भी यहाँ पे 25 पे 2 टाइम्स है, तो 5 मल्टीप्लाई ये 5 हो जाएगा। तो इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम निकल आएगी, 2 3 द 6, 6 3 द 15, 15 5 द 75 एंड 75 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 5 द हो जाएगा हमारे पास 25, हासिल 2, 7 5 द 35 एंड 2 37। तो ये आ जाएगा एलसीएम 375, ये हो जाएगा इसका आंसर। ये देखें 11 नंबर, सबसे पहले इसके 10 के, फिर यहाँ पे 20 के निकालेंगे, फिर 32 के फैक्टर्स निकालेंगे, फिर हम 40 के निकालेंगे, ठीक। तो 10 के तो बहुत ही आसान, ये 2 की टेबल 5 टाइम एंड 5 की टेबल यहाँ पे 1 टाइम। 20 के निकालते हैं, तो 2 की टेबल यहाँ पे 10 टाइम, 2 की टेबल यहाँ पे 5 टाइम एंड 5 की टेबल यहाँ पे 1 टाइम। 32 के निकालते हैं, तो यहाँ पे 2 की टेबल 16 टाइम, फिर 2 की टेबल यहाँ पे 8 टाइम, फिर 2 की टेबल यहाँ पे 4 टाइम, फिर 2 की टेबल यहाँ पे 2 टाइम एंड 2 की टेबल यहाँ पे 1 टाइम। 40 के निकालते हैं, तो 2 की टेबल यहाँ पे 20 टाइम, फिर 2 की टेबल 10 टाइम, 2 की टेबल यहाँ पे 5 टाइम, 5 की टेबल यहाँ पे 1 टाइम। तो सारे निकल आए, तो सबसे पहले हम 10 का निकालते हैं, तो 10 का है 2 मल्टीप्लाई ये 5, फिर 32 के
टू जो है फाइव टाइम्स हैं, टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू एंड मल्टीप्लाई टू, 20 का रहेगा। चलें 20 का इधर लिख लेते हैं, तो ये हो गया टू मल्टीप्लाई टू एंड मल्टीप्लाई फाइव। फिर है 40, तो 40 के हैं टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू एंड मल्टीप्लाई यहाँ पे फाइव। तो ये एलसीएम, तो टू फाइव टाइम्स है, तो वो लिख लेंगे। तो बाकी दूसरे काम सारे इसमें आ जाएंगे। फिर देखें थ्री कहीं भी नहीं है, अब फाइव है और फाइव भी एक टाइम है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे फाइव, ये फाइव टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा 32 हो जाएगा, और 32 को फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एलसीएम हमारा हो जाएगा 160। तो बस यही हो जाएगा इसका आंसर। इस पर भी देख लें, यहाँ पे 12 फिर 24 फिर 48 एंड 54। तो 12 के निकालते हैं पहले, 2 की टेबल यहाँ पे 6 टाइम, 2 की टेबल यहाँ पे 3 टाइम एंड 3 की टेबल यहाँ पे 1 टाइम। 24 निकालते हैं, 2 की टेबल यहाँ पे 1 2 फिर 2 की टेबल यहाँ पे 6 टाइम, 2 की टेबल यहाँ पे 3 टाइम एंड 3 की टेबल यहाँ पे 1 टाइम। 48 का निकालते हैं, तो 2 की टेबल यहाँ पे 2 टाइम 4 टाइम, फिर 2 की टेबल 1 टाइम 2 टाइम, फिर 6 टाइम 3 टाइम वन 3 की टेबल लास्ट में 1 टाइम। 54 की निकालते हैं यहाँ पे, तो 2 की टेबल ये 2 टाइम, एक बच गया इधर, तो 14 हो गया, तो 7 टाइम। अब 3 की टेबल यहाँ पे 9 टाइम, फिर 3 की टेबल यहाँ पे 3 टाइम एंड 3 की टेबल यहाँ पे 1 टाइम। तो ये सारे हमने निकाल दिए। तो सबसे पहले 12, तो 12 के निकले 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई यहाँ पे 3। फिर 24 के निकालते हैं, तो 24 के 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 3। फिर 48 के निकालते हैं, तो 48 के 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 3। फिर ये 54 के निकालते हैं हम, तो निकलेंगे 2 फिर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई यहाँ पे 3। तो ये एलसीएम जब हम निकालेंगे तो देखें 4 टाइम 2 यहाँ पे मौजूद है 48 में, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 2, बाकी सारे कॉमन इसमें आ जाएंगे 2 के। 3 है, 3 यहाँ पे 54 पे है 3 टाइम, तो ये 3 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई ये 3। इसके अलावा कोई भी डिजिट नहीं है, तो ये एलसीएम, ये देखें ये 2 to the 4, 2 4 the 8, 8 to the 16, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करें 48 एंड 48 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 144 हो जाएगा, और जब 144 को हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12 हासिल 1, 4 to the 12 एंड 113 हासिल 1 1 3 the 3 एंड 1 4, 432 हो जाएगा। तो बस यही हो जाएगा इसका आंसर। तो ये पार्ट भी कंप्लीट होगा, नेक्स्ट पार्ट तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।